बहुत कर दी होता है बाइट भी इधर कर लेते इधर देखो सामने बाहुल भाई है बाहुल भाई राल बाहुल भाई थैंक यू आ जाओ दर्पण पा राहुल वेटेजी आपला हार्दिक स्वागत आपल्याला थैंक यू सो मच गणपति बाप्पा
वेल आज गणपति जी का विसर्जन है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिकॉज आज घर पूरा सुना सुना हो जाएगा। बिल्कुल, 5 दिन की चकाचौंध और रौनक के बाद आज गणपति जी चले गए हैं, फिर अगले साल आएंगे, घर सुना सुना हो जाएगा। बट वो 5 दिन रहे, इतना इतना मज़ा आया है, इतनी खुशी हुई है सबको कि जितना कहें उतना कम होगा। पापा को हमेशा हम कहते हैं कि सभी विघ्न दूर करते हैं, सर पापा से क्या कुछ मांगते? मैं पापा से कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ मांगता हूँ कि वो सबको खुशियाँ बांटे। बिकॉज पापा के साथ अगर आप कमर्शियल रिलेशनशिप रखोगे तो मज़ा नहीं है ना, कि ये देगा तो ही लाऊंगा, ये दोगे तो ही घर लाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, बट मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो भी उन्होंने दिया है वो बहुत है, एंड बहुत ज़्यादा वो आशीर्वाद दें सबको, सबको खुश रखें, बस यही प्रार्थना। साथ ही हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, जो एक महाराष्ट्रीयन लुक दिशा जी का भी देखा, तो कितना कुछ एंजॉय किया, स्पेशली द नैवेद्य इज द मेन थिंग। यस, सो क्या कुछ? तो हमारे घर पे ना मोदक का नैवेद्य बनता है। बेसिकली नैवेद्य वो होता है जो हम भगवान को प्रसाद भोग चढ़ाते हैं, भोग का दूसरा नाम है नैवेद्य। तो वो मम्मी बनाती हैं हर साल की तरह, इस साल भी बनाया, आधे से ज़्यादा मैं खुद ही खा गया, एंड बट बहुत मज़ा आया, एंड बहुत थैंक यू सो मच। साथ ही सभी फैंस ये भी जानना चाहेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके के नए प्रोजेक्ट्स आपके देखें। प्रोजेक्ट के लिए ये वक्त नहीं है बात करने का, बट मैं आज चाहता हूँ कि गणपति बापा जिस तरह गए हैं अगले साल फिर से आएँ। थैंक यू वेरी मच गणपति बापा मोरिया। तो गाना तो बनता ही है, बिकॉज बापा का नाम सुनते ही सबसे पहले स्लो गया, तो गाने तो सभी को याद रहते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। थैंक यू। मैं जाते जाते नहीं, फिर आपसे मिलूंगा, फिर बहुत सारी बातें करूंगा। मोरिया मोरिया। थैंक यू।